हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेज गुरु चैनल। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम ड्रूपीफाई को यूज कर इमेज अपलोड कर डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रूपीफाई के बारे में जानेंगे। तो ड्रूपीफाई आखिर है क्या? तो ड्रूपीफाई CSS जावास्क्रिप्ट की एक प्लगइन है जो इनपुट फाइल को स्टाइल देकर यूजर को अलाउ करती है कि वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर इमेज अपलोड कर सकता है। वो किस प्रकार, तो चलिए देखते हैं। तो ये है सिंपल फाइल अपलोड और नीचे है ड्रूपीफाई फाइल अपलोड। तो सिंपल फाइल अपलोड में क्या होता है फ्रेंड्स, कि हमें ब्राउज पर क्लिक कर उस फाइल का पाथ सेलेक्ट करना पड़ता है और सेलेक्ट करने पर वो पाथ इस प्रकार यहाँ पर शो करता है। और ड्रूपीफाई में क्या होता है कि ड्रूपीफाई ये जो इतना पार्ट है ये ड्रैग एंड ड्रॉपेबल बना देता है। तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ जो फाइल है उसे उस पर उसको पकड़ कर सिर्फ यहाँ पर इस एरिया में छोड़ देना होता है। साथ ही साथ ड्रूपीफाई हमें बहुत सारी चीजें ऑप्शन के साथ देता है, जैसे कि यहाँ पर रिमूव भी बटन देता है रिमूव करने के लिए। और साथ ही साथ हम सिंपल फाइल अपलोड का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लिक कर फाइल को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये ड्रूपीफाई हमें दोनों ऑप्शन प्रोवाइड करता है और ये ड्रूपीफाई ज़्यादा यूजर इंटरेक्टिव होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम कोडिंग शुरू कर देते हैं। मैंने ऑलरेडी stdoc फोल्डर में एक नया फोल्डर क्रिएट किया है ड्रूपीफाई, और ड्रूपीफाई के लिए जो भी फाइल्स नेसेसरी है वो भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। और एक उसमें एक नया पेज भी क्रिएट किया है index.php, और index.php फाइल में मैंने बूटस्ट्रैप ड्रूपीफाई jQuery की लिंक मैंने कर दी है। तो फ्रेंड्स, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारे फोल्डर की लिंक मैंने दे दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो हम कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले डेव क्लास कंटेनर ले लेता हूँ। उसमें हम एक रो क्रिएट करेंगे, रो को हम div क्लास कॉलम sm 6। अब इसमें हम एक फॉर्म ले लेंगे, फॉर्म टैग। एंटिटी टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, मेथड पोस्ट यूज करेंगे हम। इसके बाद हम एक लेबल लेंगे अपलोड इमेज, इनपुट टाइप फाइल नेम फाइल, क्लास हम देंगे ड्रूपीफाई। और डेटा हाइट ड्रूपीफाई के हाइट के लिए ब्रेक बटन ले लेते हैं हम। एक बटन टाइप सबमिट, बटन को नाम देंगे अपलोड, क्लास btn प्राइमरी। अपलोड
अब हम स्क्रॉल कर कर नीचे जाएंगे और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लेंगे। टैग में हम ग्रुपिफाई को कॉल करेंगे। तो डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन डॉलर डॉट क्लास नेम है ग्रुपिफाई डॉट ग्रुपिफाई फंक्शन। अब हम सेव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम हमारे ग्रुपिफाई रन कर कर देखते हैं कि हमारी डिजाइन किस प्रकार दिख रही है। तो हम टाइप करते हैं लोकल होस्ट ग्रुपिफाई इंडेक्स डॉट पीएचपी। तो फ्रेंड्स ये आप पे ठीक तरह से दिख रही है लेकिन ये ज़रा चिपक रही है। यहाँ पे हम मार्जिन दे देते हैं। तो स्टाइल मार्जिन टॉप फिर से रन कर कर देखते हैं। ओके अब ठीक दिख रही है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने ग्रुपिफाई की डिज़ाइन देख ली है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की कोडिंग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।